प्रहलाद ने कहा, बोले प्रभु मुझे अपने लिए तो कुछ नहीं चाहिए, पर एक छोटा सा निवेदन करूं क्या? हाँ हाँ बोल बोल। बोले प्रभु मेरे पिताजी चाहे कैसे भी थे लेकिन था तो मेरा बाप। अरे हिरण्यकश्यप दुनिया के लिए राक्षस रहा होगा लेकिन थे तो मेरे पिता। तो प्रभु बस केवल एक निवेदन चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ी मुझे अपने पिता का हत्यारा न कहे, बस इतनी सी मुझ पे कृपा कर दे, मुझे पितृहंता न माने कि अपने बाप का हत्यारा है ये, ऐसा कलंक न लगे। और उस समय भगवान के मुख से जो श्लोक निकला वो कालजयी है। भगवान क्या बोले? भगवान वाच कि त्रिहि सप्तभिः पिता पूतः पितृभिः सहते नघ। बेटे तेरा जैसा बच्चा यदि किसी ने अपने कुल में जन्म दिया, गलती से भी एक वैष्णव बेटे को जन्म दिया, तो त्रिहि सप्तभिः सात 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 की तीन पीढ़ियां अनायास मुक्त हो जाएंगी। सात पीढ़ी मां की और सात पीढ़ी पिता की और सात पीढ़ी ससुराल की, कितनी हो गई? 21 पीढ़ी तर जाएगी अगर आपके कुल में एक बेटा प्रहलाद या ध्रुव पैदा कर दिया। ये है संस्कार। यदि आपने बचपन से ही अपने बच्चे को भक्त बना दिया, बचपन से ही उसको सूर्य को देखो, बच्चा 3 साल का हो तो 3 काम उसको बचपन में सिखा दो, कभी जिंदगी में बिगड़ेगा नहीं। पहला काम सवेरे उठकर सूर्य भगवान को एक लोटा जल चढ़ाना सिखाओ। क्यों कैसे मत बताओ, बोले चढ़ा दे। एक लोटा जल लो सूर्य भगवान को, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, जो आता हो, तंत्र मंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, चढ़ा दो। और दूसरा बोले 4 दूबी, दूबी नहीं होती दूरबा घास, बोले बेटा तोड़ के गणेश जी को चढ़ा दो। क्यों चढ़ाओ कैसे चढ़ाओ मत बताओ, बोले चढ़ा दे बस। गणपति कौन? विवेक और बुद्धि के देवता हैं। जिसकी बुद्धि सुधर गई जीवन में वह कभी गलत मार्ग का अवलंबन करेगा ही नहीं। तो गणेश जी का रास्ता और सूर्य का मार्ग। और तीसरी प्रात काल उठ के रघुनाथ मात पिता गुरु ना वही माथा। प्रात काल उठ के रघुनाथ ते पिता गुरु ना वही मात पिता गुरु ना वही माथ मात पिता गुरु ना वही माथ। बस प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो तीसरी आदत क्या सिखाऊं कि सवेरे उठकर सबसे पहले अपनी माँ के पांव को छू, बच्चे को ये घोट के पिला दो। बोले बेटा सवेरे उठकर माता के चरण छुओ, फिर बाद में पिताजी के छुओ, और उसके बाद में फिर घर में अगर दादा दादी हैं, ताऊजी हैं, चाचा जी हैं, बड़े जो भी हैं, उन सबके बाद में, लेकिन सबसे पहले अपनी माता की। माँ का स्थान इस धरती में सर्वोपरि माना गया है, है? उसके बाद पहले मातृदेवो भव, उसके बाद में पितृदेवो भव, और उसके बाद आचार्य देवो, गुरु का स्थान इन दोनों के बाद में। तो इसलिए बच्चे को पता ही नहीं, एक छोटी सी बात आप अपने बच्चे को। और ये राम जी त्रिलोकी नाथ जगदीश्वर राम है, उस त्रिलोकी नाथ को दशरथ के चरणों में झुकने की क्या आवश्यकता है? पर जगत को मार्गदर्शन, जगत को रास्ता दिखाने के लिए कौशल्या अम्बा के चरणों में प्रणाम करते हैं मेरे राम जी, मेरे प्रभु सुमित्रा मैया केकई मैया, तीनों माताओं के चरणों में नतमस्तक होकर ये संदेश देते कि देखो मैं पूर्ण ब्रह्म होकर भी जब नर बनकर आता हूं तो नारायण के रूप में भी मैं माँ के चरणों की धूल माथे लगाता हूं। ये होना चाहिए,
ये तीन छोटी छोटी आदतें सिखा दो, बच्चा बड़ा होकर अपने आप सतमार्ग पकड़ लेगा। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।